हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए चेक करते हैं आज डेल ऑप्टिप्लेक्स मदरबोर्ड। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पे 6th जनरेशन का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि DDR4 रैम सपोर्टेड है। ठीक है, आप देख रहे हैं i5-6500 यानी कि 6th जनरेशन। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये हमारा डायग्नोस्टिक कार्ड होता है जो कि मिनी PCI स्लॉट में लगता है। ठीक है, और चलिए चेक करते हैं। इसमें 8 पिन कनेक्टर है। ठीक है, तो ऑन कर लेते हैं। देखिए, हमने SMPS को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और देखिए यहाँ पे इसमें ये इसका स्विच है। ठीक है, पैनल जिसे हम बोल देते हैं। यहाँ पे LED भी लगी हुई है, बट यहाँ पे देखिए ऑन नहीं हो रहा है। ओके, हमने एक AMD फैन भी यहाँ पे लगा लिया है, कनेक्ट कर लिया है इससे, जिससे हमें पता चले कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ या नहीं। और सबसे अलग बात देखिए, यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इसमें देखिए VGA कनेक्टर थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से पूरा यहाँ पे तब इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज पे पैनल पे कितनी वोल्टेज है। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर को DC मोड पे रखना पड़ेगा और वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर एक चेक करने के लिए एक बार ग्राउंड से तब वोल्टेज को चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है। ओके, और ये हमारा वोल्टेज है यानी कि 3.30 वोल्टेज हमारा प्रेजेंट है। ओके, तो आपका पैनल पे भी वोल्टेज आ रहा है और तभी भी आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नॉट पावरिंग ऑन मदरबोर्ड में कि हमारा क्या फॉल्टी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक जानकारी टेक्निकली देना चाहता हूँ। यदि आपका कंट्रोलर से कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और आप का पैनल पे 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है, तो आप समझिए जो आपका IO चिप होता है उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि IO चिप का मतलब होता है इनपुट आउटपुट IC। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे 110% श्योर करते हैं कि हमारा ये खराब ही है IO चिप, तो वो आपको इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देखते रहिए, अब टेक्निकल पॉइंट चलता है। तो सबसे पहले आप SMPS को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और SMPS को कनेक्ट करने के लिए एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट से वोल्टेज पर मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे 20 पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी में विनबोंड की IC होती है, किसी में IMS की होती है, किसी में IT की होती है। तो इसमें देखिए SMSC की IO चिप लगी हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जो पिन नंबर 36 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप इसको थोड़ा टच कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपका ऑन नहीं हुआ है, तो फिर आप यहाँ से इसकी जो काउंटिंग है आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, अभी भी आपका ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, आप इस तरह आप चेक कर लेंगे। यदि आपका इस तरह ऑन नहीं होता है तो एक बार आप पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर आप पावर को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर आप इसी तरह चेक करेंगे। तो उसको काम नहीं करते हैं।
तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पे ये शॉर्ट करने से ऑन हो गया है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इसमें डिस्प्ले भी यहाँ पे आ जाएगा, एक्टिविटी मदरबोर्ड चलता हुआ। ये थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों डिस्प्ले आने में, बट इसमें डिस्प्ले भी आ जाएगा। तुम्हारा मजा है, ठीक है। थोड़ा और क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इसको शॉर्ट करके ऑन किया है ना, तो थोड़ा टाइम लेता। तो देखिए ये डिस्प्ले आपका आ चुका है। तो इस तरह फाइंड आउट करते हैं हम कि हमारा आईओ चिप ही ख़राब है। और आप आईओ चिप या तो मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं इस नंबर की, और यदि आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो कोई स्क्रैप में से, मदरबोर्ड में से इस तरह की आईओ चिप बहुत लगी रहती हैं, आप उसमें से भी रिप्लेस करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही कि कैसे फाउंड आउट करेंगे डेल ऑप्टिप्लेक्स 7040 मदरबोर्ड को नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में। तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे टेक्निकल फॉल्ट के साथ। और एक बात और, आप लोगों के सहयोग से अभी हमारा चैनल मोनोटाइज भी हो चुका है, और उसके लिए थैंक, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। और ऐसे ही बने रहें दोस्तों, जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।